न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने पुराने प्लेयरों को न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सारे पुराने प्लेयर्स को मौका दिया गया है। पाकिस्तान की T20 टीम बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड पहला T20 मैच कब और कितने बजे और कहाँ पर खेला जाएगा आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपको बताएँगे। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड पहला T20 मैच जो है वो 12 जनवरी को होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये सुबह 11 बजे शुरू होगा। दूसरे T20 मैच की अगर बात करें पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड तो ये मैच 14 जनवरी को खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:10 पर शुरू होगा। तीसरे T20 मैच की अगर बात करें तो तीसरा T20 मैच जो है वो 17 जनवरी को खेला जाएगा। ये मैच जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा। चौथा T20 मैच जो है वो 19 जनवरी को खेला जाएगा और इस सीरीज का आखिरी और पांचवा T20 मैच जो है वो 21 जनवरी को खेला जाएगा। इस सीरीज में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सारे नए चेहरे आपको नजर आएंगे, जिसके अंदर साइम अयूब हैं, आजम खान होंगे, अब्बास अफरीदी वगैरह होंगे और इसके साथ साथ जो बड़ी पिक की गई है वो आमिर जमाल की है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। वहाब रियाज ने आमिर जमाल को भी T20 स्क्वाड के अंदर मौका दिया है। शादाब खान को रेस्ट दिया गया है इस सीरीज के अंदर और पहले ये सोचा जा रहा था कि बाबर आजम और रिजवान को भी रेस्ट दिया जाए, लेकिन बाबर आजम और रिजवान दोनों को शामिल कर लिया गया है इस सीरीज के लिए। और इसके साथ साथ आप भी कमेंट्स के अंदर बताएं कि आप पाकिस्तान ये सीरीज जीत पाएगा या नहीं।